जोधपुर में एक छोटा सा कस्बा है फलोदी। यहाँ के लोग सट्टे की लत के आदि हैं। सट्टा किसी भी चीज पे लग सकता है, अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पे या निकाय चुनाव पे, विधानसभा चुनाव पे या केंद्र के लोकसभा चुनाव के ऊपर। यहाँ तक कि लोग सांडों की लड़ाई से लेके बारिश आने तक चप्पलें उछाल के, सिक्के उछाल के किसी भी चीज पे सट्टा लगा लेते हैं। सट्टे की ये आदत फलोदी में सैकड़ों सालों से रही है। आज भी फलोदी का सट्टा मार्केट अपने एक्यूरेसी के लिए जाना जाता है। लोग कहते हैं कि टीवी चैनलों के सर्वे फेल हो जाते हैं, लेकिन फलोदी का सट्टा मार्केट कभी फेल नहीं होता। राजस्थान में विधानसभा चुनाव है और फलोदी का सट्टा मार्केट एक बार फिर से गुलजार है। हम लोगों ने यहाँ के सटोरियों से बात करने की कोशिश की, पहचान ना बताने की शर्त पे उन्होंने हमें समझाया कि यहाँ का सट्टा मार्केट किस तरीके से काम करता है। आइए उन्हीं की बात सुनते हैं। फलोदी में कितने सालों से सट्टा लग रहा है? फलोदी से मैं 50 साल तो मैंने ले लिया, तो मेरे जन्म से भी पहले काफ़ी सालों से ये सट्टा बाजार में, फलोदी बाजार में चलता है। और फलोदी बाजार के अंदर ऑल आर वर्ल्ड के अंदर फलोदी बाजार सट्टे में फेमस है। ऑल आर सट्टे में फेमस है, किस किस चीज़ पे सट्टा लग जाता है फलोदी? फलोदी में हर चीज़ का सट्टा लगता है। इलेक्शन का सट्टा लगता है, बारिश का मार्केट इधर मेन, बारिश का सट्टा लगता है। और भी जो कोई भी जितना छोटे से लगा के बड़ा इलेक्शन तक फलोदी के अंदर सट्टा लगता है। और मटका गुब्बा वगैरह सब चलते रहते हैं। और यहाँ फलोदी का 5 साल का बच्चा 5 साल हो गए, फिर 6 साल के अंदर आता है तो फिर फलोदी वो सट्टा सीख जाता है, आगे जाके वो सट्टे ही करेगा। वो हमारा फलोदी में उद्योग, चाहे उद्योग समझो चाहे व्यापार समझो चाहे सब कुछ समझो, हमारा सट्टा ही है फलोदी का। अभी हम लोग मांग भी कर रहे हैं जिले की, तो जिले में हमारा कोई इतना कारोबार कुछ नहीं है फलोदी के अंदर, एक सट्टा ये उद्योग हमारा सट्टा बाजार है, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। तो हमारा फलोदी उद्योग है ये सट्टा बाजार। फलोदी में 6 साल का बच्चा सट्टा लगाना, हमने ये सुना है कि सांड आपस में लड़ते हैं, इस पर भी सट्टा लग जाता है? सट्टा लगता है फलोदी, हर चीज़ का मतलब जो भी होता है सब पे सट्टा फलोदी के अंदर। छोटा ये जो फलोदी के लड़के लोग जो अपना ये स्टेडियम के अंदर क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके भी सट्टा लगता है, उसके भी हजारों लाखों रुपये का सट्टा हो जाता है। फाइनल में कौन सी गली का लड़का आएगा मैच में, कौन सा आएगा, उस पर भी लग जाता है। फलोदी में आप जिधर भी जाओगे सट्टा, सब सट्टा ही भरा हुआ है। ये व्यापार ही सट्टा ही है हमारा, और कुछ नहीं है। पुलिस वालों ने रेड भी मारा, वो भी मारा, तो अभी कितना मारा उनको मालूम है, आप किधर किधर जाएंगे, एक गली में तो नहीं है, 2000 गली के अंदर सट्टा है। पूरे फलोदी में रगों में बसा हुआ सट्टा, बसा हुआ सट्टा। और सारी बिरादरियां लगाती हैं? 36 काम सट्टे में, एक काम नहीं है, सब 36 काम सट्टे के अंदर, हर काम के अंदर फलोदी के अंदर सट्टा लगाने आएंगे। अभी इलेक्शन चला था तो हर जात वाले अच्छे अच्छे करोड़पति पैसे वाले सब ये टिकट का सट्टा लगाया। तो टिकट का सट्टा ऑल आर किधर भी नहीं होता है, एक हिंदुस्तान में फलोदी में टिकट का सट्टा होता है। टिकट किसको मिलने वाली, इसी पे मिलने वाली, किधर किसको मिलेगा, क्या मिलेगा, उसका सट्टा रहेगा। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताइए, जैसे आपके यहाँ पे राजस्थान इलेक्शन का तो सट्टा लग ही रहा है, और कौन कौन से ऐसे इलेक्शन है? MP का भी यहाँ सट्टा लगता है, छत्तीसगढ़ का भी अभी सट्टा लगा है, इनका भी लगा है, अपना राजस्थान का भी सट्टा लगा है। तो क्या है MP में, क्या ऐसी ऐसी समीकरण में अभी क्या दोनों बराबर में आ गए? तो पहले 4 बार हम लोगों ने देखा है MP के बारे में कि ये अपना 98 में जो पहला इलेक्शन हुआ था तो 60% पोलिंग पड़ी थी, तो उस टाइम हम लोगों ने कांग्रेस ही निकाला था यहाँ, कि भाई कांग्रेस है। उसके बाद में जितना भी पोलिंग बढ़ता गया हम लोगों ने BJP निकालते गए, लास्ट तक BJP। और अब की बार पोलिंग बहुत अच्छा बढ़ गया, पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें अभी अब हम लोग सस्पेंस में आ गए। इतना हम लोग कांग्रेस के अंदर चल रहे थे, अब पोलिंग की वजह से थोड़ा हमको वापस BJP का पलड़ा मतलब मामूली से भारी लग रहा है, मामूली सा भारी लग रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या सीन है? छत्तीसगढ़ में BJP लग रहा है, पहले हम लोगों ने कांग्रेस खोला था, तो आगे जाके फिर बाद में नेता का इनका टिकट में बंटवारे में इसमें लेके फिर बाद में हम लोगों ने वहाँ भी टक्कर में लेके आ गए छत्तीसगढ़ में टक्कर पे। MP और छत्तीसगढ़ में तो आप टक्कर मान रहे, राजस्थान में क्या सिचुएशन है? राजस्थान में आज की तारीख में तो मतलब सट्टा बाजार की वजह से तो अभी कांग्रेस वन साइड निकल चल रही है सट्टा बाजार के हिसाब से। और इन लोगों पहले फलोदी बाजार ने हम लोगों ने 160 सीट निकाला था इसका कांग्रेस का, फिर इनके झगड़े का टिकट लेट वितरण होने की वजह से हम लोगों ने अभी इनका 125 सीट पे आ गए। और अभी इलेक्शन के बाद जिस दिन इलेक्शन पड़ेगा, वोटिंग पड़ेंगे, कहाँ कितना परसेंट पड़ा है, कौन से एरिया में कितना पड़ा है, उसके आधार पे फिर वापस निकालेंगे। अभी तक कांग्रेस का पलड़ा भारी है।
अच्छा, तो आप लोग भाव कैसे खोलते हैं, वो क्या तरीका है? न्यूज चैनल के सर्वेस फेल हो जाते हैं, अच्छे अच्छे जो लोग इसके वोटर्स की मैपिंग करते हैं, जिन लोगों का दावा है कि बहुत वैज्ञानिक तरीके से वोटरों को देखते हैं, समझते हैं, उनके अंदाजे उनके आंकड़े फेल हो जाते हैं, लेकिन फलौदी सट्टा मार्केट का सट्टा फेल नहीं होता, ऐसा क्यों होता है? फलौदी मार्केट वाले स्टडी करते हैं, पहले 5-6 दिन तक उसके जो भी कैंडिडेट होगा उसके ऊपर स्टडी करेंगे, वहाँ के रहने वाले, वहाँ की पब्लिक, पेपर पे और इसमें सब उनका पहले रिकॉर्ड वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद उसके आधार पे हम लोग पे उनका भाव निकाल देते हैं। अभी जोधपुर ज़िले की 10 सीट है, 10 में से अभी तक हम लोगों ने निकाला है, 8 कांग्रेस को दिया है, 2 बीजेपी को दिया है, अभी तक तो 2 बीजेपी को दिया, 8 कांग्रेस को दिया है। क्या तरीका होता है, आप लोग अपने आदमी भी भेजते हैं? हम लोगों का इधर गाड़ी पे आदमी जाते हैं, जहाँ भी जिस गांव का भी है तो फलौदी में आता ही है, राशन की दुकान पे आता है, किराना की दुकान पे आता है, और भी मतलब इधर काम कराने आते हैं, कोर्ट में आते हैं, कचहरी में आते हैं, तो उनसे उन लोगों से राय लेते रहते हैं कि अब की बार तुम्हारे गांव में किसका वजन है और किसके गांव में वजन है, उसके आधार पर फिर हम लोग निकालते हैं। अच्छा, और बाकी जैसे ये तो फलौदी लोकल का हो गया, बाकी जगहों पे मतलब जैसे मान लो जयपुर का सट्टा है तो जयपुर का कैसे? ऑल आर वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे फलौदी वाले रहते हैं, वो लोग जैसे हम लोग इधर से आइडिया निकालते हैं, वहाँ रहने वाले वो लोग आइडिया निकाल के हम लोग को बताते हैं। अच्छा, जैसे अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ था ट्रंप का और हिलेरी का, तो पहले हम लोगों ने हिलेरी का निकाला था ये मार्केट के अंदर, फिर हम लोगों का वहाँ से फोन आना चालू हुआ कि भाई इधर ट्रंप भारी है अभी, तो हम लोगों ने फिर पहले हम लोगों ने 50 पैसा निकाला था इसका हिलेरी का, ये 2 रुपया निकाला था ट्रंप का, तो उसके बाद में हम लोगों वहाँ से फोन आया अमेरिका से हमारे रहने वालों का कि भाई इधर ट्रंप का थोड़ा वजन ज़्यादा है, तो हम लोगों ने तुरंत बाजार के अंदर ट्रंप को भारी लेके आ गए, हिलेरी को ऊपर लेके गए, तो ट्रंप का ही सट्टा से जब तक इलेक्शन अमेरिका में नहीं हुआ जब तक 50 पैसा ट्रंप का भाव ही रखा हम लोगों ने, हिलेरी का 2 रुपया रखा, और फर्स्ट टाइम हिलेरी का 50 पैसा था, ट्रंप का 2 रुपया था, तो वहाँ से हमको रिपोर्ट मिला, तो रिपोर्ट मिलते ही हम लोगों ने यहाँ सट्टा वापस चेंज कर दिया, फिर वो जीत उनका बताया, तो उनको भी ये ट्रंप के ऑफिस में भी हमारा फलौदी का करने वाला है रहने वाला, तो उसने भी हमको बताया कि आपकी फलौदी मार्केट में आपकी जीत बता रहे हैं, ट्रंप को आपको खुद को मालूम था कि उसके ऑफिस में भी हमारा फलौदी का बंदा काम करता है। गुजरात के चुनाव के समय भी आपके पास में सट्टा आपका अभी एकदम सटीक बैठा था, तो गुजरात में हम लोगों ने पूरा गुजरात में सब जगह हाई लेवल का बता दिया, कभी क्या बता दे, कभी हम लोगों ने 99 और 100 पे रहे, हम 100 से ऊपर हम गए नहीं, 99 से नीचे हम लोग भी गए नहीं, और आखिर में वो 99 ही सीट आई, तो वहाँ के रूपाणी जो मुख्यमंत्री है, वो लोगों ने भी यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं को फोन करके, कांग्रेस के कार्यकर्ता या बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस वाले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इनको पूछते थे कि भाई फलौदी मार्केट में क्या है, तो फलौदी मार्केट अभी तक यही है, 99 100 पे ही चल रहे हैं, तो आगे बढ़ा तो आगे नहीं बढ़ा, तो बोला मेरी जीत क्या है, आपकी जीत हमको जीत लग रही है, उसका कम 50-30 पैसों का भाव था रूपाणी का यहाँ फलौदी बाजार के अंदर, और भी उसका भाव भी पूछा उसने, तो उनका भी भाव मिला, तो हर उनके भी अच्छे अच्छे हिंदुस्तान के करीब करीब 80% मुख्यमंत्री का खुद का यहाँ फोन आ जाता है कि भाई फलौदी सट्टा बाजार में वहाँ का मुख्यमंत्री का क्या भाव निकाला, कांग्रेस ने हमको फुल फ्रेश निकाला था, और आपको हम आप पार्टी को हमने उधर पंजाब में फेल बता दिया था, पूरा फेल बताया गया, किधर भी नहीं आएगी, तो फैल ही गई, और कांग्रेस का वन साइड हम लोगों ने बताया वहाँ, तो पूरा का पूरा कांग्रेस उधर सफल हुआ। आपका कहना है कि बड़े बड़े राजनेताओं का फोन आता है फलौदी ये जाने के लिए कि उनकी किस्मत में क्या लिखा हो, किस्मत क्या लिखा है। अच्छा। भाई फलौदी मार्केट हमारा क्या बताता है, तो हर कार्यकर्ता यहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, और अच्छे लेवल के कार्यकर्ते हैं, तो उनके पूछ लेते, अभी हमारा युवा जिसका नाम ही नहीं था फलौदी बाजार में, उसका टिकट का भी नाम नहीं था, टिकट पे करोड़ों रुपए का दूसरा सबके टिकट पे लग गया सौदा, फिर लास्ट में इसका सौदा खोला हमने मार्केट पे, पहले 2 रुपये 100 का खोला था, फिर बाद में 10 का भाव हुआ, और उसके बाद में ये फलौदी की पब्लिक को ऐसा पहली बार ऐसा हुआ कि टिकट ऐसा मिल गया, बाकी तो हमारा आधार पे टिकट मिलता है कि इस आदमी को ही मिलेगा, उसका भाव ही हम लोग कम रखते हैं इस बार, लेकिन टिकट वितरण में आपका सट्टा जो है फलौदी के लिए चला नहीं है, मतलब ये 100 में से 1% हुआ ऐसा, बाकी कभी तक आज तक नहीं हुआ। अच्छा, आप बराबर ये बात अपनी बातचीत मारी 30 पैसा 40 पैसा 2 रुपया, तो कैसा लगता है ये भाव, मतलब क्या होता है सट्टे का? उसमें क्या है कि हमारा जो जैसे मान लीजिए आपने मेरे जीत पे 40 पैसे का भाव लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? अभी आप नागौर के रहने वाले हैं, आप नागौर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं,
तो आजू बाजू में जितने भी गांव हैं हमारा भी उधर से गाड़ी जाएगी, पता लगेगी, फिर वो इधर आके बोलेगा पावरफुल पलड़ा उसका भारी है, फिर उसका सट्टा हम चालू कर देते हैं उनका सट्टा। उसमें जैसे आपने 40 पैसे का भाव दे दिया तो क्या मतलब हुआ इसको? जैसे हमारे जो आम दर्शक हैं जो सट्टे से नहीं जुड़े हुए हैं, सट्टे की क्या व्याकरण नहीं जानते हैं, सट्टे की गणित नहीं समझते हैं, उनको कैसे समझाएंगे 40 पैसे का भाव मान लो आपने मेरी जीत पे लगा दिया या मेरी हार पे लगा दिया, जीत पे लगा दिया तो क्या भाव होगा? मतलब 40 पैसे का क्या मतलब? 40 पैसे का भाव है, 1 रुपये का 40 पैसा मिलता है। अभी आपने 1000 रुपये हमको रोकड़ी दिया, केस दिया आपने 1000 रुपया, तो हम आपको वापिस 400 रुपया, वो 1000 का 400 मिलता है, 400 रुपया और 1000 आपका वापिस देंगे, 1400 रुपया आपको वापिस दे देंगे, तो 40 पैसों के भाव से 400 रुपया होता है आपका 1000 रुपये का। अगर मैं जीत पे लगाता हूँ और अगर मैं हार पे 40 पैसे लगाता हूँ तो मेरे को 100 रुपये मिल जाएंगे, तो पूरा 100 रुपये मिलेगा। अच्छा, तो ये है कि खाना और लगाना ये दो बड़े मतलब दो रोजमर्रा के शब्द हैं सट्टा बाजार के। अच्छा, तो कितने का सट्टा लग जाता है फलोदी में चुनाव में? चुनाव में अभी उसकी गिनती भी नहीं है, करोड़ों पे चले जाते हैं। अच्छा, उसकी कोई गिनती नहीं है कि कितना लगे, करोड़ों से भी ज़्यादा। आपकी ये सीजन पे हमारा कम से कम मतलब 70-80 करोड़ पे चला गया अभी तक टिकट पे। अच्छा, और अभी 7 तारीख को 7 को 11 के अंदर हमको लगता है कि 100 करोड़ के आसपास पहुँच जाएंगे। अच्छा, वो सट्टा चालू हो जाएगा, फिर पब्लिक रात को अभी टिकट वितरण के अंदर पर दिन रात की टाइम यहाँ 4-5 हज़ार पब्लिक रहती थी। अच्छा, और यही मेला हमको 7 तारीख को वोटिंग के बाद गांव की रहती थी, एक गांव की नहीं सब गांव की पब्लिक यहाँ रहती थी और सब गांव की पब्लिक 36 काम वो सट्टा करती थी। और 7 तारीख के बाद में भी ऐसी चहल पहल चालू हो जाएगी, मेला चालू हो जाएगा यहाँ। और जैसे तीन पत्ती गेम होता है हमारा, तीन पत्ती यहाँ फलोदी के अंदर बाजू में गाँव है, तो अब कभी आपको मौका मिले तो आप कभी आप देखने को आना। तीन ये अपना पत्तों का गेम, दाना उसको दाना बोलते हैं हम लोग, और भट्ठा भी बोलते हैं, तो वहाँ कम से कम आपको पब्लिक मतलब जंगल के अंदर पूरा टेंट लगा हुआ रहता है, सब लाइटें वगैरह सब जंगल में ही है, तो कम से कम 25-30 हज़ार आदमी वहाँ आएंगे, मेला लगता है इतिहास, मतलब इतिहास में सबसे ऑल आर वर्ल्ड में ऐसा मेला आज तक नहीं लगा है। हर साल लगता है। किस समय लगता है वो? ये जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी 5 दिन पहले चालू होता है, 3 दिन बाद में ख़त्म होता है। अच्छा, रात को पूरा रात रहता है फुल, सुबह चालू होते हैं, मतलब जिस दिन चालू हो गया फिर पूरा नाइट रहेगा वहाँ, फिर कोई पैसों की गिनती नहीं है वहाँ, कम से कम 70-80 करोड़ तक, 80 करोड़ मतलब 100 करोड़ के आसपास पहुँच जाते हैं। लोग गाड़ियाँ दाव पर लगा देते हैं, ट्रैक्टर लगा देते हैं, सब पूरे गांव वाले आ जाते हैं, वो बहुत बड़ा वो मेला तो ऐतिहासिक मेला है। अच्छा, वो भी हम कोशिश करेंगे कवर करने की। जन्माष्टमी से 2 दिन पहले आओ या जन्माष्टमी से 1 दिन पहले आओ, वो आपको मेला आपको दिखाएंगे। शुक्रिया वैसे आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और धन्यवाद हमको फलोदी के बारे में बताने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।